आपको ये देखें, ये मैंने पहले ये मैक्रोनीज वगैरह, ये बच्चों ने पास्ता खाना था, और ये मैंने देखें जितने भी वेजिटेबल और मीट वगैरह थे, ये सारे, ये जो मैंने पास्ता वगैरह तैयार किया है मैक्रोनीज, इसका जितना भी इसका सारा है, यखनी वगैरह, ये मैंने उसी में है, क्योंकि फ्लेम बहुत कम आ रहा था। सर्दियों में आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये होती है, और बहुत कम फ्लेम में मैंने इसकी यखनी को वेस्ट नहीं किया। इसमें मैंने ये सारे वेजिटेबल और मीट वगैरह डाल दिए हैं, और इसमें इसमें देखिए मैं सब कुछ बनाऊंगी, और इसमें थ्री बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगी। एक तो मैक्रोनीज के लिए मेरा यूज़ हो जाएगा, दूसरा मैंने यखनी सूप बनाना है, और तीसरा मैंने 6 से 10 एज तक जो बच्चे हैं उनके लिए भी यखनी, क्योंकि जब ये देखें वेजिटेबल सब है इसके अंदर, यखनी क्योंकि वो इतनी थिक नहीं पी सकते छोटे बच्चे, 7 से 10 मंथ तक बच्चों के लिए इसमें से आप यखनी भी निकाल सकते हैं, जो सर्दियों के लिए उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है। चलिए इंशाल्लाह ताला मैं अब आप इसमें से कुछ हिस्सा निकाल लूंगी जो मैंने मैक्रोनीज के लिए यूज़ करना है, और बाकी मैं इसके अंदर ही रहने दूंगी जो मैक्रोनीज का पानी था। चलिए इंशाल्लाह ताला तैयार करते हैं और मैं आपको बताती हूँ। एक आध ऑनियन को मैंने काट कर इसमें जैतून का तो मैंने 3 से 4 चम्मच ऐड करनी है, इससे ज़्यादा भी आप 5 तक कर सकते हो, क्योंकि जाहिर हर चीज़ को फ्राई होना है। इसी ये देखें मैंने 5 या 6 डालनी है इसमें, ये देखें। और ये मैंने दराज से परचेजिंग की थी कि जैसे मैंने यूज़ किया है बेहतर है कि मैं इधर उधर इसके ड्रॉप्स वगैरह गिरे मैं इसके अंदर इजीली रख देती हूँ। अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने चमचे हिलाना है थोड़ी देर तक, ये देखें। अब ये जो मैंने बॉयल किए थे, मैंने आपको बताया था यखनी के लिए और सूप जो बनाना है उसमें, इसमें मैंने थोड़ा सा निकाल कर इसके अंदर ऐड कर लेना, देखिए अब इसमें आप इसको पकाते जाएं, इसको 5 से 10 मिनट तक हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। 1 टेबल स्पून डालेंगे पाउडर, और काली मिर्च पाउडर, जिसके हस्बे जरूर डाल लें, कोई स्पाइसी खा रहा होता है कोई नॉर्मली, वैसे मैं तो इसको 1 टेबल स्पून यूज करती हूँ। व्हाइट पेपर है ये भी 1 टेबल स्पून, ये रोजमर्रा के ले लिया है और आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और इसमें आप इसमें आपने सिरका ऐड करना है 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून ऐड करें, पहले हमने पेपरिका विंगर डाला, और ये हमने ये है आप ले सकते हैं नेशनल वगैरह का, ये फिर हमने डाला सोया सॉस, और हम डाल रहे हैं रेड चिली सॉस, ये आपने 3 टेबल स्पून ऐड करना है। टेबल स्पून ये ऐड करके तीनों को हर चीज को मिक्स करके अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स। आप इस बच्ची को तो जानते ही हैं जो आपको बता रही आयशा, क्योंकि ये इसकी फेवरेट डिशेस है। ठीक है, थोड़े से ना डाल देना इस तरह से, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और आपको पता है इसमें हर मर्ज का शिफा है, इसमें सुवाई मौत के अल्लाह ताला ने इसमें इतना बेनिफिट्स, और इतनी अल्लाह ताला ने इसमें छोटी छोटी सी अपने करिश्मे रखे हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता, सिर्फ के बड़े मेरे सनात हैं। और ये हमने दराज से लिया है, और ये हमने इसलिए लिया है देखिए कभी ऑयल हम मतलब करा रहे हैं, जैसे हमें कहीं हांडी वगैरह जब सालन वगैरह बना रहे हैं उसका जो मतलब ऑयल वगैरह थे वो हमारी टाइल्स पे मत गिरे,
और गिरे तो यहाँ गिरे, जैसे कि यहाँ जो तुमका जो गिरा भी हल्का सा तो वो टाइल्स खराब मत हो, और आपका आप दरासे ले सकते हैं ये ला। और इसके बाद हसबे जरूरत नमक आपने ऐड करना है, 2 टेबलस्पून तो नहीं आप डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून या हसबे जायका जिस तरह आपको इजी लगे, इसको आप इजी ले। कुछ लोग कम खा रहे होते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, कुछ ज्यादा, ये अपनी चॉइस पे होता है। आपको पानी ऐड कर दे आप, निकाल लिए जिसमें इसमें मैं ऐड करूंगी। ये देखिए इतने अच्छे फ्राई हो गया सब कुछ, ये आप खुद देख सकते हैं। अब इसमें मैंने ये ऐड कर दिया, मैंने ये पूरा ये छोटा बाउल लिया था जिसमें मैंने केचप डाली थी, नेशनल वालों की भी ले सकते हैं, जिस जो भी ब्रांड हो आप जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अब अच्छी तरह आप मिक्स कर लें, तो मैंने इसके अंदर सारा ऐड कर लिया। आप देखें अल्लाह की शान, ये चेक करें आप वेजिटेबल और सब, इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं आप चेक कर सकते हैं। ये देखें अब हम इसको निकाल देंगे, ये पक्का बिल्कुल तैयार हो चुका है और फ्लेम बंद हो गया है। अब आप इसमें ट्रे में बाउल में जिसमें भी आप बाउल में या जिसमें भी आप निकालना चाहें इजीली डाल सकते हैं। इसकी फाइनल लुक देखें, क्या स्टीम निकल रही है और ये बिल्कुल तैयार है अब यमी, और ये बच्चों के खाने के लिए मैं लेके जा रही हूँ। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज।